प्रथम तहलका न्यूज। झज्जर में कंटेनमेंट जोन बनने के बाद अब यहां पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी दुकानें या फिर मॉल खुले देखे गए, प्रशासन अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। तस्वीरें बहादुरगढ़ से सामने आई है, जहां जिलाधीश जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने औचक निरीक्षण किया और कंटेनमेंट जोन में हालातों का जायजा लिया। बता दें कि बहादुरगढ़ एरिया में बनाए गए अभी 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है और शहर के रिहायशी सेक्टर 6 में कुछ दुकानें खुली मिली, जबकि ओमेक्स सिटी में क्लब हेवन में बिना अनुमति के कंटेनमेंट जोन में शादी समारोह आयोजित किया गया था। जैसे पहले हम करते थे उस तरीके से घोषित किया है और उसके अंदर वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जो पहले थे। कोई भी सामाजिक धार्मिक स्थल, कोई इंस्टीट्यूशनल, कोई किसी तरह का जिम क्लब सब बंद। अगर कोई शादी या उसके अंदर कोई शमशान घाट है उसमें पहले SDM साहब से परमिशन आएगी और परमिशन के बाद शादी ओपन एरिया में 50 आदमियों को और क्रीमेशन के लिए मैक्सिमम 20 आदमियाँ अलाउड। अभी जब यहाँ दौरा किया गया तो इस क्लब में ये कोई परमिशन नहीं है, शादी हो रही है, इन दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी मेरा सब निवेदन है कि जो एरिया मैक्रो कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई भी एक्टिविटी, सिर्फ दूध की दुकान, फल फ्रूट सब्जी की दुकान, किरियाने की दुकान, दवाई की दुकान या हॉस्पिटल खुले रहने का ऑर्डर किया है। कोई भी अगर सरकारी ऑफिस है वो सिर्फ 50% लोगों के साथ ऑपरेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा कोई एसेंशियल सप्लाईज, हमारी बिजली है, पानी है और कोई सप्लाईज है, उस सप्लाईज में वो सारी सप्लाईज नॉर्मल रहेंगी। उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करें वो नॉर्मली अपनी ज़रूरत है उसके अनुसार काम वहाँ करेंगे। तो आज मैं और SP साहब इसी का सारा जायजा सारे कंटेनमेंट जोन का ले रहे हैं और हमें मार्केट के अंदर भी एक दो प्रॉपर्टीज डीलर्स थे जिनकी दुकानें खुली मिली जो कि नहीं अलाउड है, उनके खिलाफ भी 188 के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं SP राजेश दुग्गल ने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करें, अपने आप को और अपने प्रियजनों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखें। शहर के प्राइवेट अस्पताल का भी दौरा किया और वहां की चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। जोन हमने बनाए हैं और टोटल 6 पॉइंट डिसाइड किए हैं, उसमें हमने डे नाइट की सभी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें PCR है, राइडर है, SHO मोबाइल है, DSP मोबाइल है। वो डे नाइट अपनी पेट्रोलिंग करेंगे और जो कंटेनमेंट में जो भी वोलेशन है, 144 की जो वोलेशन है, 188 में उनकी FIR दर्ज कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने DC साहब ने और मैंने राउंड लिया है। तो जो इसमें वोलेटर मिले हैं उनके खिलाफ हमने 188 में FIR लॉन्च करने के लिए SHO को डायरेक्शन दे दी है और इसको सख्ती से पालन करेंगे। और हम पब्लिक से चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें, इसमें उनका भी बचाव है और लोगों का भी बचाव। आपको बता दें कि जिले भर में फिलहाल लगभग 1100 के करीब केस एक्टिव हैं और इसमें 60% बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ एरिया के गांव नूना माजरा, HSVP के सेक्टर 2, 6 और 9, ओमेक्स सिटी और दयानंद नगर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं। इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की सख्ती यहाँ देखने को मिली। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।